तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लिच गेमिंग में। और आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग नॉर्मल माइनक्राफ्ट का सीरीज आज स्टार्ट करेंगे आज से। मतलब मैं इतने सालों से माइनक्राफ्ट खेल रहा था, लेकिन आज तक कभी सीरीज स्टार्ट नहीं किया, और मैं करता भी नहीं, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था करने को, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होंगे वूल्स, क्योंकि मुझे बेड बनाने हैं रात बिताने के लिए। मतलब कि रात में मुझे सोना पड़ेगा, मैं बेड बना लेता हूँ तो मैं रात मेरा आराम से कट जाएगा। तो एक और चाहिए होगा वूल, तो वो रहा सीप, तो बहुत कम लोग को ही मिलता है वो। तो यहाँ दो चीज़ है, मतलब दो सीप है, तो बहुत कम लोगों को ही बना पाते हैं पहले ही दिन। तो मैं बना लिया, बहुत ही अच्छा है। और मुझे अब कोई अच्छा जगह ढूंढना होगा घर बनाने के लिए। तो पहले अपना स्पॉन को मार्क कर लेते हैं, अब ढूंढते हैं कोई अच्छा जगह, क्योंकि यहाँ पे तो चारों तरफ कोई पेड़ ही नहीं है, बिना पेड़ के तो सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे एक पेड़ दिखा, पहले इसे काट लेते हैं। जितने लकड़ियाँ हमें मिल जाएंगी उतनी अच्छी है। एक ये बना लिया एक्स, इससे अब ज़्यादा आसान हो जाएगा लकड़ियाँ काटना। तो हो गया, अब चलो घर बनाने के लिए अच्छा से जगह ढूंढते हैं पहले। तो किधर चला जाए, यहाँ पे चारों तरफ तो, ओ भाई कितना ज़्यादा गहरा है। तो ये 1.80 अपडेट के बाद से यहाँ पे बहुत सारे गहरे गहरे खाई बनने लगे हैं, मतलब हर जगह अब रिवीन बनना शुरू हो गया है। तो आपको 1.80 में बहुत ध्यान से रहना होगा। अब चलो ये वाला जगह मुझे दिखा है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ घर। यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे पेड़ भी हैं, तो मैं इस समय शायद सवाना बायोम में हूँ, तो यहाँ के ट्री देख के मैं बता सकता हूँ। तो सबसे पहले कोई जगह ढूंढते हैं अपना क्राफ्टिंग टेबल रखने के लिए, तो ये जगह सही है। अब एक बेड बना लेते हैं, और बेड ये रहा, यहाँ रिस्पॉन पॉइंट सेट हो गया। अब मैं लकड़ियाँ ले ली, अब थोड़ा सा अपना स्टार्टअप हाउस बनाते हैं बस। तो ये मैंने बना दिया, बस चारों तरफ से बाउंड्री कर दिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे मैं अपना डोर लगाऊंगा, तो इसीलिए जगह छोड़ देता हूँ। ओके, तो अब हम लोग कुछ बना लेते हैं, जैसे कि ये सॉवेल। यहाँ का ज़मीन बराबर करना पड़ेगा, तो ये जितना डर्ट हो सकते हैं मैं ले सक लेता हूँ और ये लगा देता हूँ। तो रात भी होने वाली है, जल्दी से डोर बना देता हूँ, उसके बाद सो जाऊँगा। ओके, तो दिन हो गया। तो मैंने बना लिया यहाँ पे पिकैक्स, अब थोड़ा से हमें चाहिए होगा कोबल स्टोन, क्योंकि मुझे चाहिए होगा अब स्टोन के टूल्स। इसे मारते हैं, और मर भी गया। तो यहाँ है कोबल स्टोन, तो इसे तोड़ लेते हैं, क्योंकि स्टोन के टूल्स लेने से ज़्यादा आसान हो जाएगा काम। ओके, तो मैंने बहुत सारे ले लिए स्टोन, इसे भर देता हूँ इस गड्ढे को। अब इनसे मैं बहुत सारे टूल्स बना सकता हूँ, वो फर्नेस बना सकता हूँ। तो बना लिए फर्नेस, अब इसे यहाँ रख देते हैं। अब हम लोग को कुछ स्टोन के टूल्स बनाना होगा, और पहले अपना खाना को भी पकाना होगा। तो हमें फ्यूल चाहिए, लेकिन हमारे पास फ्यूल है नहीं, तो हमें लकड़ियों से ही अब फ्यूल का काम करना होगा। तो ये प्लैंक बना लेते हैं, अब इसे फर्नेस में रख देंगे हम लोग, फिर उसमें हम लोग खाना पका सकते हैं अपना। तो ये पक रहा है, तो पहले एक बना लेते हैं पिकैक्स स्टोन का, और हम लोग अब कोल लेके आएंगे। तो पहले कोल लेने जाने से पहले मैं खाना ले लेता हूँ कुछ, मुझे खाना खाना होगा इस समय, बहुत ज़रूरी है। चलो खाना खा लिया, अब चलते हैं। अब जल्दी से हम लोग को कोल ढूंढना होगा, पहले देखते हैं कहाँ हमें कोल मिल सकता है, यहाँ दोनों तरफ देखना होगा। तो इस गड्ढे में तो कहीं है नहीं कोल, और यहाँ पे एक है। ओके, तो यहाँ पे एक ये कॉपर है, इसे ले लेते हैं। तो कॉपर का मुझे पता नहीं क्या काम है, लेकिन ले लेते हैं, कुछ काम तो आ ही जाएगा।
उसके बाद अब हम लोग को जल्दी से कोल ढूंढना होगा। किधर गया कोल? अरे यार कहाँ है? ओके तो यहाँ रहा कोल, ये मुझे दिख गया। इसे जल्दी से यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से टॉर्चेस बना लेंगे और भी बहुत कुछ कर लेंगे, फ्यूल का भी काम आ जाएगा। तो ये मिल गया हमारे पास कोल। अब चलो वापस ऊपर, फिर हम लोग माइनिंग पे भी चलना है। तो आगे हम लोग ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग के पास 24 कोल है, इसे रख देते हैं यहाँ पे। और इसमें अपना खाना पका लेते हैं, जैसे एक वर्कशॉप है वो सुअर को जो हमने मारा था। और यहाँ पे सैपलिंग रख देते हैं, पेड़ उग जाएंगे। और हम लोग के पास अब जो नेक्स्ट काम है वो है माइनिंग करना, तो उसके लिए हमें टॉर्चेस भी बनाने होंगे। और हमें अभी एक और काम करना है, जैसे कि हमें अब फेंस लगाना होगा, उसमें हम लोग को जानवरों को रखना होगा ताकि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी ना पड़े कभी। तो ये मैंने गलत लगा दिया था चेस्ट, इसे यहाँ लगाना होगा, तब ये जुड़ जाएगा एक में। फिर अब इसमें अपना कचरा रख देते हैं सारा, और कुछ टूल्स बना लेते हैं, जैसे तलवार हो गया, एक्स हो गया और पिकैक्स हो गया स्टोन का। फिर ये हमारे बहुत काम आ जाएंगे। तो हो गया, आप जल्दी से हम लोग ये फेंस बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर फेंस लगा देते हैं, रात भी हो रहा है। यहाँ पे फेंस लगा देते हैं, फिर इसमें हम लोग रखेंगे शिप को। और शिप को हम लोग को रखने के लिए चाहिए होगा हम लोग को वीट, क्योंकि उससे हमें दिखाना होगा शिप को और गाय को, तब वो लोग इसके अंदर आ पाएंगे। तो वीट के लिए हमें फार्मिंग करनी होगी। ओके तो यहाँ पे हम लोग ये डोर लगाना होगा, ये डोर लगा देते हैं। और ये हमारा काम हो गया, अब सो जाते हैं वरना जानवरों आ जाएंगे सारे मॉब्स। ओके तो दिन हो गया और वहाँ पे मॉब्स आ भी गए हैं, जैसे ये जॉम्बी आ गया और यहाँ पे एक क्रीपर भी आ गया था, वो फट गया चलो, लेकिन मुझे डैमेज नहीं मिला, लेकिन गड्ढा हो गया यहाँ पे। और वहाँ पे एक वो स्केलेटन दिख रहा है, उसे मारते हैं। ओके ये मार रहा है, मारो जल्दी से, मर गया। और जॉम्बी मार रहा है भाई, जॉम्बी मार रहा था लेकिन जल रहा है शायद वो। भाई ये तो कितना ज़्यादा आर्मर पहना हुआ है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। मर जाना जल्दी, मर गया लेकिन आर्मर दिया नहीं एक भी। तो हो बना लेते हैं, इससे हम लोग फार्मिंग करेंगे और कुछ टॉर्चेस बना लेते हैं, ये हमारे काम आएंगे। फिर माइनिंग करेंगे हम लोग टॉर्चेस की मदद से। तो चलते हैं उसी जगह पे जहाँ पे हमने कोल ढूंढा था, वो जगह यहाँ नीचे था इस जगह पे। चलो चलते हैं। और हमें अब सीढ़ी बनाते हुए माइनिंग करनी होगी ताकि हमें आने जाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। तो हमारा टारगेट होगा कि हमें आयरन चाहिए होगा, आयरन से हम लोग बकेट बना सकते हैं, उसके बाद हम लोग पानी ले आके अपना फार्मिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये रहा हमें आयरन का ये ओर मिल चुका है, मतलब कि रॉ आयरन, इसे ले लेते हैं। अब ऊपर चलते हैं। तो रात हो गया और यहाँ एंडर में स्पॉन हुआ है, इसके आँखों में हमें नहीं देखना है वरना ये हमारा कोई हाल नहीं। अब यहाँ सो जाते हैं। तो ओके तो दिन हो गया नेक्स्ट। तो अब हम लोग इसमें रख देते हैं अपना स्मेल्ट होने के लिए। तब तक मैं यहाँ से इन घासों को तोड़ना होगा, तो इससे मुझे सीड मिलेंगे जिससे मैं वीट उगा सकता हूँ। तो ये एक सीड मिला, वायर एंडरमैन है उसकी आंखों में नहीं देखना है। ओके तो मेरे पास 7 सीट हो चुके हैं और आयरन भी स्मेल्ट हो गया है 10, तो इससे मैं बकेट बना लेता हूँ। ये रहा बकेट, बन गया एक। अब चलते पानी लेने। तो पानी लेने चलते हैं, तो मुझे बहुत दूर जाना होगा पानी लेने।
और मैं सामने देख सकते हैं वहाँ पे एक विलेज दिख रहा है, तो ये मेरे घर से बहुत ज़्यादा करीब है, कम से कम बस 50 ब्लॉक ही दूर होगा। यहाँ मुझे आलू दिख गया, आलू बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आलू ले लेते हैं हम लोग। और बकेट भर लेते हैं अपना, तो बकेट भर लिया। और ये जो विलेज है इसे हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे, अभी निकलते हैं घर के लिए। ओके, तो घर आ गया हमारा, तो अब हम लोग यहाँ माइनिंग कर सकते हैं। तो पहले 3 ये ब्लॉक का गड्ढा करना होगा, उसके बाद यहाँ एक तरफ पानी, फिर इधर पानी डाल देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे इससे मारना होगा, तो ये फार्म लैंड बन चुका है। तो बस आप लोग पानी के बाद 4 ब्लॉक ही बना सकते हैं फार्मिंग के लिए, उससे ज़्यादा बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा फार्मिंग। यहाँ पर सीड लगा देते हैं, और ये आलू है तो आलू को भी यहाँ लगा देते हैं, आलू भी ग्रो करेगा। तो ये हमारा फार्म तैयार। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहे। अब हम लोग मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।